उत्तर प्रदेश ना सम ब्रेकिंग न्यूज कमिंग अक्रॉस वेल मायावती हैज डिमांडेड द इमीडिएट अरेस्ट ऑफ राजा भैया शी सेज दैट प्रेसिडेंट्स रूल शुड बी इम्पोज इन उत्तर प्रदेश लिसनिंग टू द रिएक्शन दैट वी पिकिंग अप फ्रॉम मायावती उत्तर प्रदेश में जब मेरे नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो किसी गुंडे बदमाशों की माफियाओं की हिम्मत नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले, और यदि किसी ने हाथ में लेने की कोशिश की तो चाहे बीएसपी का एमएलए हो या मंत्री हो, मैंने उनको उनके खिलाफ केवल खाना पूर्ति नहीं की कि उनको केवल मैंने मंत्री पद से हटाया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई, और जो एमएलए और भी जो भी लोग थे पार्टी के, चाहे बड़े पदाधिकारी हो, एमपी हो, एमएलए जो भी हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की और कई लोगों को मैंने जेल के अंदर भेजा। ये आप लोगों के सामने है, तो इसलिए वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अभी वो बीएसपी की बात कर रहे हैं, फिर बाद में बोलेंगे कि उससे पहले और पार्टियों की भी वहाँ पे पावर में रही है, सत्ता रही है, तो उनके गवर्नमेंट में भी ऐसा होता था। अपनी कमजोरी को छिपाने से कुछ होने वाला नहीं है, उनको मान लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी इस लायक नहीं रही है कि वो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट को वो चला सके। जब वो यूपी में गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे, वो सपने देख रहे हैं सेंट्रल के। समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चला पा रही और सपने देख रही है समाजवादी पार्टी सेंट्रल के कि हम सेंट्रल में अपनी सरकार बनाएंगे, और तो जब तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या लगता है, उनको अपने गृहमान में झांक कर देखना चाहिए और ये जो इस किस्म के बयानबाजी बंद करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को जब यूपी में फेल हो गए हैं तो सेंटर में उनको कौन स्वीकार कर लेगा।